हाय एंड वेलकम टू कुक इजी विद मी श्रुति। इंस्टेंट मावा या खोया की रेसिपी आज मैं शेयर कर रही हूँ। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए बस 3 इंग्रेडिएंट्स और 5 मिनट का टाइम। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन ले लेंगे, उसको गर्म होने देंगे। जब पैन आपका मीडियम हॉट हो जाए उसमें हम डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून अनसॉल्टेड बटर। आप बटर की जगह घी का भी यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब त्योहारों का टाइम होता है तो हमें मिठाइयाँ बनानी होती हैं घर में, बट मार्केट में मावा अवेलेबल नहीं होता है। तो इस सिचुएशन में हमारे पास बस एक ही कंडीशन होती है कि हम घर पे ही मावा बना के तैयार करें। या तो हम दूध से मावा बनाएं, जैसे कि ट्रेडिशनल मेथड है, उसको घंटों कढ़ाई के साथ खड़े होके दूध को धीरे धीरे चलाते हुए उसका मावा बनाया जाए, या फिर ये इंस्टेंट मेथड है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बस 3 ही चीज़ों से, मिल्क पाउडर, दूध और थोड़े से घी के साथ ही आप बढ़िया सा मावा बस 5 ही मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये बटर को मेल्ट हो जाने देंगे। बटर मेल्ट हो गया है, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 कप दूध। इस दूध को हम गरम होने देंगे। दूध को चलाते हुए ही गरम करें। जब ये अच्छे से गरम हो जाएगा फिर हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने मिल्क पाउडर लिया है जिसको मैं 3 बैचेस में इसमें डालकर दूध के साथ मिक्स करूँगी। सारा मिल्क पाउडर हम एक साथ नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें फिर इसकी गुठलियाँ पड़ जाएंगी और हमको बाद में वो निकालने में बड़ा प्रॉब्लम होगा। तो धीरे धीरे ही आप मिल्क पाउडर इसमें डालें और साथ ही साथ इसकी गुठलियाँ भी हटाते जाएँ। इंस्टेंट खोया बनाने के लिए हमें मीडियम फ्लेम का ही यूज़ करना है। इसको बिल्कुल भी हाई फ्लेम पर ना पकाएँ क्योंकि आपके पैन या कढ़ाई के तले में लग सकता है। और हमें एक और बात का यहाँ पे ध्यान देना है कि हमें जो ये मिल्क पाउडर और दूध का जो हम मिक्सचर बना रहे हैं इसे हमें कंटिन्यूसली चलाते रहना है, हमें इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, वरना ये आपके पैन या कढ़ाई के तले में लग सकता है। तो यहाँ पे मिल्क पाउडर और दूध अच्छे से मिक्स हो गया है। अब बचा हुआ मिल्क पाउडर भी हम इसमें ऐड कर देंगे और उसको भी सेम तरीके से चलाते हुए इसके साथ मिक्स करेंगे। फ्लेम को मीडियम और लो के बीच में ही रखेंगे, हाई फ्लेम पे इसको बिल्कुल भी नहीं बनाएं। चलाते हुए इसकी गुठलियाँ निकालते हुए आप इसका मावा तैयार करें। बहुत ही आसानी से बन जाता है, बस 5 ही मिनट का टाइम लगता है और मावा से बनने वाली कोई भी मिठाई में आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। चाहे मावा कोकोनट के लड्डू बनाएं या पेड़े बनाएं या बर्फ़ी जमाएं, ये बहुत ही अमेजिंग से रिज़ल्ट देता है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। आप अगर इसको एक बार ट्राई करेंगे तो आप हमेशा इसको इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। मिठाई के साथ साथ मैं तो इसको मावा केक जब बनाती हूँ उसमें भी इसको मैं यूज़ करती हूँ, उसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। अगर आप इस मावा को थोड़ा और रिच बनाना चाहते हैं तो आप इसमें 2 चम्मच फ्रेश क्रीम के ज़रूर ऐड करें। दूध आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं, फुल क्रीम या लो फैट, डिपेंडिंग अपॉन आपको कितना फैट वाला मावा चाहिए। तो यहाँ हमारा मिक्सचर अच्छे से गाढ़ा हो गया है, पर जब तक ये मिक्सचर पैन ना छोड़ दे तब तक हम इसको चलाते रहेंगे, यानी कि इसकी थोड़ी ही देर में 1 मिनट में ही इसकी एक बॉल जैसी बन जाएगी, सारा का सारा मिक्सचर कंबाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। बस उसी स्टेज पे हमको फ्लेम ऑफ कर देना है, जब तक इसको लगातार चलाते हुए ही इसको कुक करें और साथ ही साथ इसके किनारों से भी इसको हटाते जाएं। अगर आपको ये इंस्टेंट मावा बनाने का आइडिया पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें जिससे ऐसे ही नई और इंस्टेंट रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। तो इस स्टेज पे आप देखेंगे कि पैन के तले से जो सारा मिक्सचर है वो अपने आप से ही अलग होने लगा है और उसका जो है एक बॉल जैसा फॉर्म होने लगा है। तो बस यही स्टेज है, आप सारा मावा एक साथ इकट्ठा करें और फ्लेम को ऑफ कर दें। हमारा झटपट मावा बनके तैयार है। बस इसको आप एक कंटेनर में ट्रांसफ़र करें और एयरटाइट कंटेनर में इसको 1 हफ्ते तक आप आराम से फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और जब आपका मन हो आप अब से मिठाइयाँ बनाएं। तो इतने मिक्सचर में हमें 178 ग्राम्स अप्रोक्स मावा मिलके तैयार हुआ है। आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। आपका फीडबैक या फिर डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय एंड टेक केयर।